एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये सात बच्चे पुलिस के पास पहुँचे और पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े ये बच्चे अपनी माँ को तलाश रहे हैं। पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि वो इनकी माँ को ढूंढ कर लाए। दरअसल हुआ यूं कि कन्नौज में सात बच्चों की माँ अपने सभी बच्चों को घर पर छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। जानकारी होते ही बच्चे परेशान हो गए और उन्होंने अपनी बुआ के साथ कोतवाली पहुंचकर पुलिस से माँ को तलाशने की गुहार लगाई। फिर पुलिस ने प्रार्थना पत्र लेते हुए परिजनों से महिला को जल्द ही तलाश करने की बात कही। बताया जा रहा है कि महिला का पति रोजगार के चलते बाहर रहता है। कन्नौज जिले के गुड़सहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव का ये मामला है। महिला का पति बाहर रहकर नौकरी करता है, जिसकी पत्नी अपने सात बच्चों के साथ गांव में ही रहती थी। गांव में पड़ोस में रहने वाले लोगों का कहना है कि उस महिला का प्रेम प्रसंग गांव के ही किसी शख्स के साथ हो गया और वो मौका पाते ही अपने घर से फरार हो गई। जब महिला घर नहीं लौटी तो बच्चे परेशान हो गए और उन्होंने मामले की जानकारी पास में ही रह रही अपनी बुआ को दी, जिस पर बुआ सभी बच्चों को लेकर गुड़सहायगंज कोतवाली पहुँच गई, जहाँ बच्चों ने पुलिस से माँ को तलाशने की गुहार लगाई। जानकारी होते ही महिला का पति भी गांव वापस आ गया। क्या मामला हो गया? मामला क्या हो गया, हमारी सरज भाग गई। कहाँ से? गोरी बांगर से। कब? कल 3 बजे। किसके साथ? किसके साथ तो पता नहीं, वहाँ एक है उसने बेच ली उसको। अच्छा, क्या बच्चे हैं इनके? 7। इस समय कहाँ आए हो? अब ये हमें पता कहाँ है, ये कहाँ है? तुम कहाँ आए हो? हम थाने। शिकायत कर दी? कर दी सर। क्या करी पुलिस? मामले में महिला के परिजनों ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए इसकी शिकायत की और गांव की एक महिला पर भागने में मदद करने का आरोप लगाया। पुलिस ने प्रार्थना पत्र लेते हुए परिजनों से बच्चों की मां को जल्द ही तलाश करने की बात कही है। कन्नौज से यूपी तक के लिए नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।